सर, कोई भी कंट्री पूरी तरह से डेवलप तब होती है जब वहाँ पे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो, हर एक घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती हो सही से सही टाइम पे। तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे कि चाइना, अमेरिका, जापान, चाइना में 1100 केवी की सप्लाई होती है, अमेरिका में 800 केवी की, और वहीं जापान में 900 केवी की लाइन को सप्लाई किया जाता है। सो इन सब के बीच में इंडिया क्या कर रहा है इन सब के लिए? सो इंडिया में वन ऑफ मोस्ट पूरी दुनिया के सबसे हाईएस्ट ट्रांसमिशन लाइन को लगाया जाएगा, जिसका वोल्टेज होगा 1200 केवी, यानी कि 12 लाख वोल्ट्स को ट्रांसमिट किया जाएगा। सो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि इस ट्रांसमिशन लाइन को सबसे पहले कहाँ पे लगाया जाएगा, इसका प्लांट्स कहाँ पे होंगे, कौन से ट्रांसफार्मर्स यूज होंगे। सो इन सब के बारे में आज ही इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिए, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में आगे बढ़िए। तो 1200 केवी की लाइन को हम ट्रांसमिशन लाइन नहीं बोलेंगे, इसको बोला जाएगा UHV, यानी कि अल्ट्रा हाई वोल्टेज। इसके लिए गवर्नमेंट ने 800 करोड़ का फंड कर दिया है। तो 1200 केवी UHV के जो स्टेशन हैं वो औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में लगाए जाएंगे। सो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? IEEMA के अनुसार, यानी कि इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, 400 केवी की लाइन से 600 मेगावाट बिजली पहुंचती है, 800 केवी की लाइन से 1200 मेगावाट बिजली पहुंचती है, और जो नई ट्रांसमिशन लाइन यानी 1200 केवी की है उससे जो पहुंचेगी हमारी 6000 मेगावाट की खपत को पूरा करेगी। तो भेल, अरेवा, सीमेंस, स्टारलाइट लाइट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसमें साथ दे रही है। कम से कम 35 कंपनियों ने इसमें फंड भी कर दिया है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करके बताइए, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए।